नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। हाजिर मैं विंध्य की अब तक की चार बड़ी खबरों के साथ। बात कर लेते हैं पहली खबर की, जो कि रीवा से आ रही। बता दी कि पुलिस ने विगत दिनों हुई चोरी का खुलासा करते हुए बताया कि फरियादी सुमित कोहली की दुकान गोल पार्क में संचालित होती है, जिनकी दुकान से सीड्रिल की चोरी हुई है, जिसे बरामद कर लिया गया। चोरी की वारदात में दुकान में काम करने वाला नौकर कृष्णकांत का हाथ था। संदेह के आधार पर पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की तो चोरी का खुलासा हुआ। वहीं दो आरोपियों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। दिनांक 20/10/2024 को फरियादी सुमित कोहली, जिनकी दुकान गोल पार्क में है, बस स्टैंड के पीछे गोल पार्क है, उनकी कृषि उपकरण की दुकान है, उनके दुकान से एक सीड्रिल गायब हो गया था। तो उनका जो शक था कि इतनी भारी चीज़ ऐसे सामान तो ले नहीं जा पाएंगे, उसे तालाब किसी नौकर का जरूर हाथ होगा, तो उनके यहाँ काम करने वाले जो कृष्णकांत पांडे है उसके ऊपर शक हुआ। शक भी उन्होंने FIR में लिखाया था। और इसके बाद जब हम लोगों ने बुला के इससे पूछताछ की तो उसने बताया कि 5,000 रुपये में रजनीश कोल के यहाँ, वो जो रजनीश कोल है चुरहटा थाना क्षेत्र का एक आदमी है, 5,000 रुपये में सेट किया था कि इसे मैं उपलब्ध करा दूँगा। कृष्णकांत पांडे ने 5,000 रुपये में उसको दे दिया था। तो दोनों आरोपियों को पकड़ा गया और दोनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और सीड्रिल बरामद हो गई है और इन्हें आज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इस दौरान कुछ पूछताछ की गई तो क्या इसके पहले भी कुछ घटना का चुके कर्मचारी है? अभी तो इस संबंध में इन्होंने कुछ नहीं बताया है, ये एक ही मामले के बारे में बताया है। ये लिए कैसे गए थे इसको? इसको क्या है कि 500 रुपये में बुक किए थे गाड़ी, उसको ये नहीं बताया था कि चोरी का माल है, तो 500 रुपये में बुक करके गाड़ी और इसको वहाँ पर छुड़वा दिए थे, इस वजह से उसने छोड़ दिया था। उसका उसमें कोई दोष नहीं पाया गया है। कहाँ से बरामद हुई ये? इसके कब्जे जब रजनीश कोल से पता चल गया था तो उसको रजनीश कोल को ही तलब किया गया और उसको लेके आए, तो उससे बरामद हो गया। 20 तारीख परसों की घटना। बात करते हैं अगली खबर की, जो कि मऊगंज से आ रही। बता दी कि कलेक्ट्रेट में मंगलवार को हुई जनसुनवाई में 7 शिकायतें आई हैं। इनमें विभा तिवारी ने शिकायत की है कि GMS हनुमना संकुल केंद्र बराव के प्राचार्य सरकार के आदेश के बाद भी नियुक्ति नहीं कर रहे हैं। सीता प्रसाद पटेल ने शिकायत की है कि पिता की मौत के बाद सन 1995 में वारिसाना नामांतरण होने के बावजूद 2001 में फिर से मृत पिता के नाम जमीन कर दी गई। 23 साल हो गए लेकिन आज तक खसरे में सुधार नहीं हुआ, अभी भी कंप्यूटर में खसरा मृत पिता के नाम पर ही दिख रहा है। दुर्गा स्वसहायता समूह की ओर से कहा गया कि घुघरी सरपंच गौशाला का संचालन प्राइवेट व्यक्ति को दे रही है। शिव मंगल पटेल ने हनुमना धान खरीदी केंद्र कैलाशपुर में कंप्यूटर ऑपरेटर की अनियमितता की शिकायत की। मऊगंज निवासी राजीव कुमार सिंह ने पुरानी मऊ स्थित मध्य प्रदेश शासन गढ़ी की जमीन से अतिक्रमण हटाने की मांग की। श्रीनिवास साहू ने भी सरकारी जमीन से अतिक्रमण एवं 50 वर्ष से सड़क सिकदहा नाला एवं मंदिर के रास्ते को खाली कराने का आवेदन दिया। मऊगंज संयुक्त कलेक्टर राजेश मेहता ने कुछ आवेदनों का तत्काल निराकरण किया और शेष को संबंधित विभागों को भेज दिया। जनसुनवाई में संयुक्त कलेक्टर राजेश मेहता के अलावा खाद्य विभाग प्रभारी जसराम जाटव, SDM मऊगंज ज्योत्सना अग्रवाल और शिक्षा स्वास्थ्य व सहकारिता से जुड़े अधिकारी तैनात थे। बात करते हैं अगली खबर की, जहां बारिश का मौसम समाप्त होते ही जिले में एक बार फिर खनन माफिया सक्रिय हो गए हैं। जिले के आसपास के क्षेत्र में चंबल की तर्ज में रेत का खनन हो रहा है, जो तस्वीर नदियों की घाट से निकलकर बाहर आ रही है वह हैरान करने वाली है। तस्वीरों में दर्जनों की झुंड में मजदूर नदी के बीच से रेत निकालकर ट्रैक्टरों में लोड कर रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है कि पुलिस और खनिज विभाग ने इन्हें खुली छूट दे दी है। दिन दहाड़े इतने बड़े पैमाने में रेत का खनन करना माफियाओं के लिए मुमकिन नहीं है। मामला मुख्यालय से लगे मुड़ना नदी का है, जहां से रेत का अवैध खनन कर परिवहन किया जा रहा है। कार्रवाई नहीं होने पर ग्रामीणों ने अवैध खनन और परिवहन का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है, जो अब ट्रेंड हो रहा है। खनन माफिया दो जिलों की सीमा का फायदा उठा रहे हैं। बलवई में मुड़ना नदी जो दो जिलों की सीमा तय करती है, पहली ओर शहडोल जिले के थाना सुहागपुर की सीमा लगती है तो दूसरी ओर उमरिया जिले की पाली थाने की सीमा लगने की वजह से माफिया दिन दहाड़े यह अवैध उत्खनन कर परिवहन कर रहे हैं। बात करते हैं अगली खबर की, जो कि सिंगरौली से आ रही है। बता दें कि नगर पालिका निगम सिंगरौली के उपायुक्त RP बैस ने मंगलवार को बताया कि राज्य शासन की ओर से CM कन्या विवाह और निकाह योजना के तहत सामूहिक रूप से आयोजित विवाह निकाह कार्यक्रमों की तिथियाँ निर्धारित की गई हैं, जिसके तहत 18 नवंबर को नगरीय क्षेत्र अंतर्गत आयोजित होने वाले सामूहिक विवाह निकाह में भाग लेने के लिए पात्र हितग्राही
4 नवंबर 2024 दिन सोमवार तक अपना पंजीयन करा सकते हैं। इस तरह से 9 दिसंबर दिन सोमवार आयोजित सामूहिक विवाह निकाह कार्यक्रम के लिए हितग्राही 25 नवंबर तक पंजीयन कर सकते हैं। उपायुक्त आरपी बैस ने बताया कि 3 जनवरी 2025 को आयोजित सामूहिक विवाह निकाह योजना का लाभ लेने के लिए हितग्राही 20 दिसंबर 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। इस प्रकार 6 फरवरी 2024 को आयोजित सामूहिक विवाह निकाह कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हितग्राही 23 जनवरी 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि 7 मार्च 2025 दिन शुक्रवार को आयोजित सामूहिक विवाह निकाह के लिए पंजीयन 24 फरवरी 2025 तक किया जाएगा। नगरीय क्षेत्र में रहने वाले पात्र हितग्राहियों से अपील है कि तय तारीख में आवेदन कर योजना का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने बताया कि पंजीयन के लिए निर्धारित तिथि के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।